अगर आपकी कोई शॉप है, स्टोर है, बिजनेस है, तो ऑफलाइन में आप जितने प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में जहां आप एक छोटे से एरिया को टारगेट करते हैं, तो वहीं ऑनलाइन में आप एक बड़े एरिया को टारगेट करते हैं, जिससे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है अपने बिजनेस और प्रॉफिट को बढ़ाने की। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेल करना बहुत जरूरी है। और जब बात आती है ई कॉमर्स की, तो लीडर है Amazon। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको Amazon सेलर बनने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। Amazon सेलर बनने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके आप Amazon सेलर बन सकते हैं। Amazon सेलर बनने के लिए आपके पास पैन कार्ड, GST नंबर, सिग्नेचर, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। Amazon सेलर बनने का प्रोसेस क्या है, चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। Amazon सेलर बनने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, sellercentral.amazon.in। इसमें आप स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास Amazon का अकाउंट नहीं है, तो आप क्रिएट योर Amazon अकाउंट पर क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चूज करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। लेकिन अगर आप Amazon से शॉपिंग करते हैं, उसके लिए आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस अकाउंट से भी यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी कंपनी या बिजनेस का नाम डालना है। जिस नाम से भी आपकी शॉप है, आप यहां पर शॉप का नाम डाल दीजिए, या फिर आप अपना नेम भी डाल सकते हैं अगर आपका बिजनेस आपके नाम से है। इसके बाद यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम डालना होगा। Amazon पर आप अपने स्टोर का क्या नाम रखना चाहते हैं, आप जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो सब आपके स्टोर में ही शो होंगे, तो आपको यहाँ पर एक यूनिक नेम डालना है जो पहले से Amazon पर ना हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नाम डाला। इसके बाद चेक पर क्लिक करके चेक कर लेंगे कि क्या ये अवेलेबल है। जैसे कि ये अवेलेबल है। आप जो नाम डालते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आप यहाँ दूसरा नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज कर लेनी है, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को आप Amazon पर सेल करना चाहते हैं। अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो आप यहां पर मेन कैटेगरी चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे यहां पर आप अपने बिजनेस का पूरा एड्रेस फिल कर देंगे, जहां पर आपका ये स्टोर है, आपकी शॉप है, उसका आप पिन कोड और एड्रेस यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। जितने भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस होंगे वो आपके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आएंगे। अगर आपको रिसीव नहीं करने हैं, तो आप इसको अनचेक करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहां पर आपको शिपिंग मेथड चूज करना होगा, कौन सा आप रखना चाहते हैं, फुलफिल बाई Amazon यानी FBA। इसमें क्या होगा कि आप अपना सामान Amazon के वेयर हाउस में ले जा करके हैंड ओवर करेंगे और वहां से Amazon कस्टमर्स तक पहुंचाएगा। दूसरा है Amazon इजी शिप। इसमें सामान आपके स्टोर पर रहेगा, आप पैक करेंगे और Amazon का डिलीवरी बॉय आपकी शॉप से पिक करके कस्टमर तक पहुंचाएगा। और थर्ड है सेल्फ शिप। इसमें सामान आपकी शॉप पर रहेगा, आप ही उसको पैक करेंगे और आप ही उसको कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। आप जो भी पिन कोड डालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये आपके सामने आ जाता है कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि जो पिन कोड मैंने डाला है, इसमें मैं तीनों के लिए एलिजिबल हूँ। तो हो सकता है कि आपकी शॉप जिस पिन कोड पर है, वहां पर Amazon इजी शिप या फुलफिल बाय Amazon अवेलेबल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेल्फ शिप चूज करना होगा। तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक चूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने Amazon इजी शिप चूज कर लिया है, तो इसमें यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ गया है। अगर हम अपने स्टोर के अलावा किसी और जगह से Amazon से पिकअप कराना चाहते हैं, तो इसको चेक करेंगे और यहाँ पर एड्रेस डालेंगे जहां से हम पिकअप कराना चाहते हैं, वरना इसको अनचेक रखेंगे अगर आप अपनी शॉप से ही पिकअप कराना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना होगा, जिसके लिए जस्ट आप यहां इनेबल पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें आप अप्रूव और डेनी पर क्लिक करेंगे, वो आपको सीधा ब्राउजर में ले जाएगा, उसमें आप अप्रूव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहां पर आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो आपके उस मोबाइल नंबर पर एक SMS सेंड कर दिया जाएगा। SMS में भेजा गया OTP आप यहां एंटर करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। अब जब भी आप अपने सेलर अकाउंट में लॉगिन करेंगे, तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, यानी आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाया करेगा। आपको OTP डालकर ही
आगे लॉगिन कर पाया करेंगे। ये सिक्योरिटी के लिए है, तो आप यहाँ आई गट इट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जीएसटी नंबर फिल करेंगे, और अगर आप चाहें तो बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप आई विल अपडेट लेटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्टार्ट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप प्रोडक्ट को अमेजोन के कैटलॉग में फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए आप जस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डालेंगे और उसको ऐड कर सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं एक सिंगल फाइल अपलोड करके। चलिए हम प्रोडक्ट्स को बाद में ऐड करेंगे, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है शिपिंग फी डिटेल्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप शिपिंग फीस चूज कर लेंगे। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर आप डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं तो आप सेट फीस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ से अपने हिसाब से फीस डाल सकते हैं कि लोकल के लिए, रीजनल के लिए, नेशनल के लिए आप क्या डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लोकल में डाल देता हूँ 30 रुपीज पर ऑर्डर, रीजनल में डाल देता हूँ 50 रुपीज पर ऑर्डर, और नेशनल में डाल देता हूँ 90 रुपीज पर ऑर्डर। आप अपने हिसाब से यहाँ पर ये अमाउंट डाल सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इजी शिप के चार्जेस क्या रहेंगे, मतलब कि अगर आपने इजी शिप वाला ऑप्शन चूज किया है, जिसमें अमेजोन डिलीवरी बॉय आपके शॉप से प्रोडक्ट को पिकअप करके कस्टमर तक डिलीवर करेगा, तो उसमें क्या चार्जेस आपको देने होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद सेव, जितनी भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करते जाएंगे वो सब ग्रीन होती जाएगी। अब यहाँ पर है बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसमें आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करेंगे। आप सेविंग और करंट दोनों बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो ये बेहतर है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप यहाँ पर करंट अकाउंट यूज करिए। यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे जैसा बैंक में लिखा हुआ है, अकाउंट चूज कर लेंगे सेविंग है या करंट है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, और यहाँ पर अकाउंट नंबर दोबारा से डालेंगे। अगर आपको IFSC कोड पता है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक का नेम, ब्रांच का नेम, सिटी का नेम सब आ जाएगा। इसके बाद सेव कर देंगे। इसके बाद है एंटर टैक्स डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेलर का लीगल नेम डालेंगे। तो अगर आपकी कोई कंपनी है, फर्म है, तो आप उसका लीगल नेम यहाँ पर डालेंगे जो डॉक्यूमेंट्स में है, और अगर आप प्रोपराइटर हैं तो आप अपना नेम यहां पर डालेंगे। इसके बाद यहां पर जीएसटी नंबर और यहां पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद है डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं अमेजोन पर, उनका टैक्स कोड आप चूज कर लेंगे। तो आपके प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में भी आते हैं वो आप चूज कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट्स पर 18% का टैक्स लगता है तो आप यहां पर 18% चूज कर लेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे और सेव। इसके बाद है सिग्नेचर, इस पर आप क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, अगर रॉन्ग हो जाता है तो आप क्लियर करके फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपलोड माई सिग्नेचर चूज करेंगे। अपलोड पर क्लिक करके आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके लिए आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं और उसका एक फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद कंफर्म कर देंगे। सभी डिटेल्स को ग्रीन करने के बाद आप लॉन्च योर बिजनेस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए बिजनेस लॉन्च नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एक सेक्शन यहाँ पर रेड है, इसको हमने कम्प्लीट नहीं किया है। तो इसमें यहाँ पर एड रिमूव कैटेगरीज पर क्लिक करके पहले हम कैटेगरीज ऐड करेंगे कि हम जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल करना चाहते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पर आप मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद डन, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लॉन्च से पहले कुछ लिस्टिंग ऐड करिए। इसमें आप यहाँ स्टार्ट लिस्टिंग पर क्लिक करके लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। ये तो आप यहाँ से Amazon कैटलॉग में प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, ये फिर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं फाइल अपलोड करके, ये फिर आप एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करके। पहले आप कैटेगरी चूज करेंगे, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। आप चाहें तो यहाँ पर कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपको 90 मिनट्स का वेट करना होगा लिस्टिंग के लिए। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे 90 मिनट्स का। वेट करने के बाद आप यहाँ स्टार्ट लिस्टिंग पर क्लिक करके लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कैटेगरी चूज कर लेंगे, आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में भी आता है आप वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, टाइटल और उसकी इमेजेस ऐड करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हैं। सभी ग्रीन्स होने के बाद आप यहाँ लॉन्च योर बिजनेस पर क्लिक करके अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। लिस्टिंग एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ सी प्रोडक्ट सजेशंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ
कुछ सजेशंस आ जाएंगे प्रोडक्ट्स के। कैटेगरी में आप चूज कर सकते हैं किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहते हैं। आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जो भी आपको ऐड करना है उसको आप सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसमें आप यहां पर प्राइस डालेंगे, नीचे आप क्वांटिटी डालेंगे, नीचे आप रिटेल प्राइस डालेंगे, इसके बाद सेव कर देंगे। सभी डिटेल्स कंप्लीट करते ही ग्रीन हो जाएगी और आप यहां देख सकते हैं कॉन्ग्रेट्स, यू आर नाउ रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन amazon.in। तो जस्ट आप यहां लॉन्च योर बिजनेस पर क्लिक करके अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप Amazon के एक्टिव सेलर हैं। अगर आप FBA सेलर बनना चाहते हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon, जिसमें आप Amazon के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को भेज देंगे, वहां से Amazon उनको पैक करके खुद से कस्टमर्स तक पहुंचाएगा, तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें आप Amazon का वेयर हाउस चूज करेंगे जिसमें आप प्रोडक्ट्स को सेंड करेंगे। तो इसके लिए आप यहां रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, वरना आप कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेलर डैशबोर्ड आ जाएगा। देखिए, ये है सेलर डैशबोर्ड। इसमें आपको वो सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो Amazon पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए जरूरी है। इसमें नीचे यहाँ पर दो अलर्ट्स दिए गए हैं, तो इसमें आप एक रिटर्न एड्रेस ऐड कर सकते हैं कि कस्टमर अगर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो वो किस एड्रेस पर आएगा। आप अपडेट पर क्लिक करके यहाँ पर वो एड्रेस फिल करेंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी अपडेट करेंगे कि इमरजेंसी में किस नंबर पर आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए। इसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि कैटलॉग में एड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, इन्वेंट्री में आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, प्राइसिंग में आप प्राइसिंग मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर्स में आप ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं कितने आपको ऑर्डर्स मिले हैं, और आप रिटर्न्स भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जिसमें आप नए नए डील्स ला सकते हैं, कूपन्स बना सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं और परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अपने स्टोर की। जितने भी आपको कस्टमर्स की तरफ से फीडबैक मिलेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। जितनी भी आपकी सेल्स होगी तो अमाउंट यहाँ पर शो होगा। जो भी आपकी सेल्स होती है उसका अमाउंट 15 डेज के अंदर अंदर आपके इसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जो आपने ऐड किया है। सो अब तक आप ये तो समझ ही चुके हैं कि Amazon पर सेलर कैसे बनते हैं, सेलर अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है। इसके बाद का प्रोसेस कि कैसे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और कैसे इन फीचर्स को यूज करेंगे, इस पर मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। सो इस तरह से आप Amazon सेलर बन सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन Amazon पर सेल करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।